नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इर्गोनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्रीज को मैंने अच्छे से कवर करा के रखा है, जो कि आपके पॉलिटेक्निक में आने वाली हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं वीडियो से, जिसको आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो खास करके लिए उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपके पॉलिटेक्निक में एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, क्योंकि अब यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलने लगी है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। तो उससे हम मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि क्रक्स जो है वो यहाँ से सेम रहता है। ये हमारी एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थियोरेटिकल होती हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे को एक बार बता सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, तो मैं आपको अगली बार से मैं रीड करके बताऊंगा और उसका एक एक मीनिंग बता दूंगा। लेकिन बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल यूज़ की होती हैं, यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज़ें होती हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ चीज़ें बिल्कुल ही स्किपेबल होती हैं तो उसे हम स्किप ही करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं। पहले इसका हल्का सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, पढ़ लेता हूँ मैं तेज़ी से, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इन प्रीवियस यूनिट ये बातें हो रही हैं, यहाँ पर इन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड इज बॉन्डेड टू द कार्बन एंड हाइड्रोजन। एल्डिहाइड जो होता है बेसिकली CHO ग्रुप होता है, ये हमारे एक काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एक ग्रुप होता है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। वाइल कीटोन, कीटोन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन की एब्सेंस होती है। अगर मैं इसका डिकार्बोनेशन करा दूँ तो मेरे को ये चीज़ मिलेगी ऐसी करके। इस ग्रुप को यहाँ पर एच भी लग सकता है। इस ग्रुप को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, कीटोनिक ग्रुप। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, या फिर हम इसको सिंपली ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बन के रखा है, तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद हाइड्रोजन, जो हमारा ऑक्सिल ग्रुप होता है OXYL, ये हमारा क्या, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं इसको, ऐसे हम OH से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई जो आपके इसमें लिखी हुई थी। सबसे पहले एल्डिहाइड क्या होता है, बेसिकली CHO से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं वो हमारे एल्डिहाइड में काउंट होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारा, OOH, COOH, CH3COOH, ये हमारे मीथनोइक, इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कीटोन्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड ओ के फॉर्मेट में, जहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ के फॉर्मेट में जहाँ भी चीज़ें लिंक होंगी हमारे कंपाउंड से, वहाँ पर हम, और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वहाँ पर हम इस चीज़ के रिलेटेड काम लेकर चलते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग के एक छोटा सा डायग्राम भी बन रखे हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पर एल्डिहाइड और अमीन भी दिया गया है, अमाइड, तो इसको भी हम देख सकते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता क्यों है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको थियोरेटिकल चीज़ बता रहा हूँ, तो आप मेरे को देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड होते हैं आप मेरे को बताएं, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, अगर आपको पता है तो। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। अब बनना तो ऐसे चाहिए इसको, है ना। अब देखो CH4 और यहाँ पर भी एक अच्छा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, अलग चीज़ चल रही होती है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि छूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में काम करते हैं और जो छूट जाते हैं बॉन्डिंग ना करने की वजह से, उसको हम इस फॉर्मेट में लेकर चलते हैं, लोन पेयर के फॉर्मेट में। ऑक्सीजन क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि आठवें नंबर पर आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे 2 तो बॉन्ड कर गया यहाँ से, अब यहाँ पर ऐसे करके इसने बना लिया। अब इसकी वजह से यहाँ पर ये जो है, 4 इसके पास इस फॉर्मेट में रहेगा, 2 इसके पास इस फॉर्मेट में रहेगा। अब इसके कारण हमारे पास एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ से सिंगली अटैच होगा, तो यहाँ पर R का मतलब CH3C2H5, कोई भी इसके पास एक ऐसा बॉन्ड हो सकता है हमारे पास। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिर्फ वो इसीलिए आता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में एक डिफ्यूजन क्रिएट होता है, यानी कि एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमको एक ऐसा फॉर्म में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई है तो चिंता मत करिएगा, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं
और अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, तो आप वहाँ से कैचअप कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। ईस्टर बेसिकली क्या होता है, ईस्टर और एसिडिक एनहाइड्रेट। एसिडिक एनहाइड्रेट बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ईस्टर आप पढ़ सकते हैं। ईस्टर बेसिकली क्या होता है, अगर मैं कहूँ आपको कि आपने क्या लिया, देखो मेरे पास दो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, आपके पास एक OH अल्कोहलिक ग्रुप है और आपके पास एक कैसा ग्रुप है, आपके पास एक कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक नहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके सिंपल दो एग्ज़ाम्पल लेंगे आप, C2H5OH प्लस आपके पास आएगा CH3COOH। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो ऐसे ग्रुप बनकर आ रहे हैं जो कि हम ऐसे काउंट कर रहे हैं इनको। अब यहाँ पर मैं इसका क्या करूँगा, इसकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाऊँगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर हमारा बेसिकली H2O रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पर H2O ऐसे रिलीज़ होगा, तो इसके कारण हमारे पास एक नया कंपाउंड क्रिएट होगा जो कि क्या होगा, CH3COO, क्योंकि एक O यहाँ है और एक दो O यहाँ है, CH3COO C2H5। ये जो हमारा एक नया कंपाउंड क्रिएट हुआ इसी को हम ईस्टर कहते हैं। यहाँ ईस्टर की सबसे खास बात क्या होती है जी, स्वीट स्मेलिंग, मतलब इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। ये इसका एक सबसे अच्छा और फ्लेवर और फ्रेगरेंस के लिए यूज़ होता है, इसको स्वीट होता है नेचर में, टेस्ट में, और एक इसकी फ्लेग्रेंट महक होती है, यानी कि इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती है, काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड प्रेजेंट इन प्लांट्स एनिमल किंगडम, दे आर इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस फ्रेगरेंस एंड दे। आपको बस यही याद करना है कि इनकी फ्रेगरेंस एक नेचर में होते हैं, इनकी फ्लेवर होती है और फ्रेगरेंस होती है, स्वीट स्मेल होती है इनकी, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एट रैंडम दे दी गई हैं, आपको बेंजीन के बारे में पता नहीं है तो आप ये कैसे जान लेंगे। तो आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वही देख के चलेंगे। आइए देखते हैं आगे और क्या बोल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हमारे एल्डिहाइड ग्रुप आते जा रहे हैं, तो उसको हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन कॉमन नेम्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कॉमन नेम्स होता क्या है, नॉमेनक्लेचर होता है, बहुत तरीके का होता है, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना। तो अब नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, जैसे कि कोई रशिया में बंदा बैठा हुआ है तो वो भी अपना कोई एक चीज़ को नाम दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल विनेगर होता है, विनेगर को हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, तो विनेगर तो इंग्लिश में वर्ड हो गया, सिरका हिंदी वर्ड हो गया, रशियन लैंग्वेज में भी कोई वर्ड होगा, लेकिन इसका कंपाउंड एक फॉर्मूला एक अलग होता है, उसको हम पता है CH3COOH है, लेकिन हम इसको CH3COOH नहीं बोलेंगे, हम इसको इथानोइक एसिड बोलेंगे, लेकिन इथानोइक एसिड विनेगर सिरका क्या बोलेंगे हम। तो इसी के लिए हमने एक इसमें हमने एक ऐसा एक कॉमन सबके लिए नॉमेनक्लेचर के लिए सिस्टम बना दिया जिसे IUPAC बोलते हैं, IUPAC। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि सबको एक नाम दे दिया जाता है, और नेमिंग किस तरीके से होती है वो उसके एक नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस और वहाँ पर कौन सा ग्रुप अप्लाई हो रहा है उसके प्रेजेंस के उस पर होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑफन कॉल्ड बाय देयर नेम्स, जैसे कि IUPAC ने जो हमने बताया, ठीक है। यहाँ पर कॉमन नेम्स ऑफ दिस एल्डिहाइड ग्रुप आर डिराइव्ड, कॉमन नेम तो कहीं से भी, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, लैटिन है, ग्रीक है, लैंग्वेज कौन सी है, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें भी अल्फा बीटा कार्बन, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप ये मेरी छोटी सी चीज़ जान लीजिए कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, एक को हम कोई भी हमारा एक कंपाउंड होता है वो उसके फंक्शनल ग्रुप के वजह से जाना जाता है, क्योंकि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर CHO है तो उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन हमारा अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, दूसरा कार्बन बीटा एंड हेंसफोर्थ उसके बाद जितने जितने जुड़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आता जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको लेके चलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। अब बेंजल्डिहाइड बेसिकली क्या होता है, एसिटल्डिहाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। यहाँ पर सबसे पहले नॉमेनक्लेचर क्या होता है, अगर एक कार्बन है तो हम उसे मैथ बोलते हैं, ये मैथ कोकेन वाला नहीं है। यहाँ पर अगर दो कार्बन होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, यानी CH4 के फॉर्मेट में आएगा तो उसे मीथेन बोलेंगे। अगर यहाँ पर CH1H हट के कंबाइन करके यहाँ पर OH आ गया है, यानी CH3OH, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मीथेनॉल। OL ग्रुप होता है OH के लिए यूज़ होता है। धीमे धीमे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। यहाँ पर बेसिकली अल्फा बीटा कार्बन, जितने भी नाम है ना, ये
अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम है यहाँ पर। यहाँ पर कहीं एसीटोन यूज़ हो रहा है, कहीं एसीटोफोन यूज़ हो रहा है, प्रोपिनोफोन यूज़ हो रहा है या बेंजिनोफोन यूज़ हो रहा है, सब में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज़ किए जा रहे हैं। इसके इसको हट जाए यानी कि इसको हम ऐसा एक कॉमन सिंगुलरिटी हमारे पास आए, कॉमननेस आए हमारे पास, उसकी वजह से एक IUPAC नेम्स हमारे पास सजेस्ट करेगा जिसमें में हमने क्या करना चालू कि अब यहाँ पर जो चीज़ समझ में आएंगी आपकी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि मैं आपको क्या मैं आपको टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया, यहाँ पर एंडिंग को यहाँ पर इन्होंने ALONEE से डिनोट करना चालू करा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ किसकी, एल्केन्स की, तो एल्केन्स को इन्होंने ANE से डिनोट किया सिंगल बॉन्ड वालों को। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्केन ग्रुप। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं एल्कीन ग्रुप। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं एल्काइन ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास तीन हाइड्रोजन गिवन है, तीन कार्बन गिवन है, 1, 2, 3, अगर हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन है, अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से हाइड्रोजन जितने यहाँ पर मांग रहा है, ये है हमारे पास, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा प्रोपेन। अगर मैं इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और मैं इसके कार्बन को भी एडजस्ट कर देता हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि कार्बन भी उसके हिसाब से वैलेंसी चार फुलफिल करना ज़रूरी है, तो अगर आप वैलेंसी अब देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर इसकी 1, 2, 3 और 4 अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभी भी ये प्रॉप ही है। प्रॉप किसके लिए यूज़ होता है अगर आपको पता हो तो, प्रॉप यूज़ होता है तीन कार्बन के लिए, प्रॉप इन हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो ENE आ जाता है, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और चला जाएगा यहाँ से, है ना। तो अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर और चला गया तो यहाँ पर YNE आ जाएगा, यानी प्रोपाइन हो जाएगा। प्रोपाइन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है। तो आज के लिए थोड़ा सा मैंने नॉमिक्लेचर आपको बताया और थोड़ा सा आपको बताया कि इस वीडियोज़ में सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसमें PDF में चेंज लाने की और हल्का हल्का इसमें थोड़ी थोड़ी चेंज लाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं मेरे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हैं, अपने इनपुट दे सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अपने पसंद का चाहिए तो वो मैं भी लेके आ सकता हूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करके मेरे को अपने थॉट्स बता सकते हैं पढ़ाई के रिलेटेड कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपनी स्टडी में आपको कन्वे करने के लिए, तो मैं वो भी चेंज कर लूँगा। आप मेरे को अपने फीडबैक दे सकते हैं मतलब बिना डरे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।